दोस्तों ये वीडियो है बेहद खास। आपने एक फूल का नाम शायद ही सुना होगा। बात कर रहे हैं हम गूलड़ के फूल के बारे में। आप इसका इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं, इस खास वीडियो में हम जानेंगे हकीम सुलेमान खान साहब से। गूलड़ के फूल क्या? गूलड़ के ये फल, गूलड़ एक फल है, फूल भी है इसके। तो ये काबिज बहुत होते हैं, कब्ज बहुत करते हैं। जब भी इन्हें इस्तेमाल करें तो किसी भी मर्ज में इस्तेमाल करें, मैं अक्सर इसमें इसके पत्ते या गूलर इस्तेमाल कराता हूँ पथरी के लिए। तो ऐसी कोई चीज़ लें जिससे आपका हाजमा अच्छा रहे, हजम होने वाली चीज़ भी कोई खा लें, जैसे सौंफ खा लें, धनिया खा लें, या कोई भी दवा ले लें, तब ये आपको पूरा फ़ायदा पहुँचा सकते। ऐसे ही तमाम बीमारियों के असरदार घरेलू उपायों को जानने के लिए आप हकीम सुलेमान जी के इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे YouTube चैनल हकीम सुलेमान पर जरूर आएं। अगले कॉलर हैं अलीना, स्वागत है आपका। हकीम जी की मेरा नमस्कार। जय हिंद, स्वागत है आपका। मलीना आपका स्वागत। डॉक्टर साहब आपसे एक बात कहने में मुझे खुश हो रही है, इसीलिए कि मेरे जो हस्बैंड है वो इसी लाइन में है, मतलब मेडिकल लाइन में है। अच्छा। तो उनकी और जो मुझे बताते, अरे हकीम जी, मैम हकीम जी, तो मैंने हाँ बोली है, तो वो खांसी खुशा खांसी के लिए बताया था ना, उन्नाव अलसी सतस्थान और ये सब बताए थे आपने, तो इन्होंने मेरी बात मजाक से उड़ा दिया बिल्कुल। फिर इसके बाद बहुत जगह में दवाई करना तो इनको कोई आराम नहीं मिली। फिर हम चुपके जानी दुकान से सारी सामान लेके कूट के मैंने बना दिया, और आपने कहा ना गर्म पानी की चुस्की, मतलब आपने जैसा बताया वो रेकॉर्डिंग करके रखा और उसी तरीके से उनको बोला, उनको आराम हो गया। तो मेरे हस्बैंड से मुझे बहुत जो आराम मिला तो मैं बहुत खुश हूँ, और सबसे ज्यादा मुझे खुश लगेगा ये जो मेरे हकीम जी मेरे गुरु जो है, ये जो मुझे सिखाया और मैं अपनी पति को जो अच्छा करा, ये मेरे लिए बहुत खुशी की बात हो गई। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत मुबारक हाँ, आपको। हाँ, और इनकी आप इनकी बात पेशेंट आ रही डॉक्टर साहब के पास, हमारे आदमी भी ऐसी है, मतलब इस लाइन में है, तो ये कह रहे हैं अरे तुम्हारी ये नुकसान बता दो ना, तो हमने आपकी नंबर दिया, तो कह रहा है ये भगवान से कैसे बात होगी, मगर इस भगवान से याद करो, तन मन से लगाओ, फोन लगाओ, जरूर मिलेगी। तो मेरे पास सब बैठी है तो मिल नहीं रहा है उनसे, तो मैंने मिल पाया, तो इन लोगों को आप थोड़ा सा मतलब हाई हेलो कर दीजिए, क्योंकि आपकी सहारा में बैठ के लोग। ठीक है, ठीक है। मेरे पैरों में जलन होती है, हाथ की तलियों में या पैर के नीचे जलन होती है, तो हमने सुना हाथ पैरों में दाग है। अच्छा, मगर मेरे दाग नहीं है, मेरे जलन है। जलन कोई बात इसके, हाँ, इसके लिए मुझे क्या दवाई लेनी चाहिए? ठीक है। और भाभी के लिए भी पूछा था थोड़ा सा ब्रेन स्ट्रोक के लिए, तो मैं इमोशनल हो गया था, कुछ बता नहीं पाए, तो भाभी जी ने बहुत दवाई तो करी, किस लगा के बहुत कुछ, उसमें आराम मिलती है मगर जड़ नहीं जा रहा है। उन्होंने ये कह दिया जब तक तुम जिंदा रहोगे तब तक तुम्हें दवाई खानी पड़ेगी। अच्छा, उनकी उम्र कितनी है? उनकी उम्र है 52। और आपकी? और मेरी उम्र है 54। ठीक है मलीना जी। हाँ, तो ये ब्रेन स्ट्रोक के लिए ऐसी कोई दवाई आपने बताया था उस दिन, उनके दिमाग के अंदर ऐसा लगता है जैसे कोई मोटरसाइकिल की आवाज हो रही है, कोई बस की आवाज हो रही है, कोई ट्रक की, कोई टेम्पो की ऐसी आवाज होती है, तो वो जब लेट जाती है तो वो ठीक रहती है, जब उठती है तो उठा नहीं जाता है, और बीपी भी हाई है। तो आपने बताया एक चुटकी नमक जैतून और एक चुटकी खाने के सोडा रेशम लेना है, तो डॉक्टर साहब यही लेना है या और कुछ बता दूं उनको, ये थोड़ा बता दीजिए डॉक्टर साहब। ठीक है जी। हाँ, बहुत अच्छा लगा मलीना आपसे बात करके, और आपके हस्बैंड डॉक्टर हैं और आपने उन्हें अच्छा कर दिया, अब वो आपको हकीम जी कहने लगे ना तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। बहरहाल मैं यही चाहता हूँ मलीना के हम ये नुस्खे बनाने सीखें, जैसे आपने सीखा तो सीखी हुई चीज़ हमेशा काम आती है। देखिए, हम अपनी माँ के पेट से कुछ सीख के नहीं आते, हमें संसार में आकर यहाँ पर सब कुछ सीखना पड़ता है।
मैं रोटी बनाना नहीं जानता लेकिन सीखना चाहूँ तो सीख जाऊँगा। आपने सीख लिया है, मैं सीखूँगा। ऐसी सीखने की ही है हमारी पूरी ज़िंदगी, सीखने की है। तो आपने सीखा, आपका बहुत धन्यवाद। ये नुस्खा याद रखिए और ज़रूरतमंदों को दिया करें। मैं जो भी नुस्खा आपको बताता हूँ वो भगवान के हुक्म से फ़ायदा करता है, अगर असली दवाएँ मिल जाए और सीखने वाले को दिलचस्पी हो तो ये लोगों पर काम करता है, फ़ायदा पहुंचाता है। आपके जो पैरों में जलन है तो उसके लिए गोंद सियाह, काला गोंद, आधा ग्राम सुबह आधा ग्राम शाम, पानी से या दूध से ले सकते हैं आप। लेकिन उससे भी पहले याद रखें कि आप ऐसा वेस्टर्न टॉयलेट, कुर्सी वाला शौचालय यूज़ किया करें और मेहनत या वज़न ना उठाया करें, मेहनत के काम छोड़ दें कुछ दिन के लिए, तब आपको फ़ायदा मुमकिन है। और जिनके दिमाग की प्रॉब्लम है तो उनके लिए मैंने वो नुस्खा जो बताया वही सही है, नमक, जैतून और खाने का सोडा दो बार पानी में मिला के दिया करें और ऐसे बैठे वो रोज़ाना। और ये एक्सरसाइज देखिए, ये 3 मिनट रोज़ाना करना ही है ऐसे, और फिर 3 मिनट ये ऐसे ऐसे पूरी तरह इसको मोड़िए। देखिए मैं यहाँ तक ले आता हूँ, इसको ऐसे मोड़ा करें 3-3 मिनट। तो अगर ये करते हैं तो थोड़ा वक्त लगेगा लेकिन उनको भी फ़ायदा होना मुमकिन है। जी मलीना जी, बहुत बहुत शुक्रिया मैम हमारे साथ जुड़े रहने के लिए। अगले कॉलर हैं सहारनपुर से, कृष्णा तिवारी जी, स्वागत है आपका। थैंक यू मैम। मैम आपसे बात करनी थी। बात कर लीजिए जी। तिवारी साहब बात हो रही है, स्वागत आपका, जय हिंद। वो डॉक्टर साहब मेरे ना पैर के बता दीजिए कहाँ पे पैरों में कहाँ दर्द है? आपकी उम्र कितनी है? 20 पैरों के तलुओं में दर्द। हाँ देखिए, देखिए तिवारी जी ये भी एक रोग है और आप ज़्यादा कुछ काम करते हैं या तो वज़न उठाने का या कोई मेहनत का काम करते हैं तो वो कुछ दिन के लिए ना करें। और गोंद सियाह, एक गोंद आता है जिसको काला गोंद भी कहते हैं, लेकिन याद रहे ये नकली बहुत आता है, असली खरीद लें। 15-16 रुपए का 1 ग्राम आता है, आधा ग्राम सुबह खाएं नाश्ते के बाद दूध से और आधा ग्राम शाम को खाने के बाद खाएं दूध के साथ। ये आपको जल्दी बहुत फ़ायदा करेगा लेकिन आपको कम से कम 1-2 महीने खाना है। अगर आपको जल्दी भी फ़ायदा हो जाए तो 1-2 महीने खाइए ताकि आपको ये दोबारा ना हो सके। जी तो जो नुस्खा आपके लिए बेहतर था आपको बता दिया गया है, जल्दी से उसका इस्तेमाल कीजिएगा और आपको जो तकलीफ़ हो रही है वो बहुत जल्दी ठीक हो जाएगी क्योंकि आपकी तो अभी कोई एज ही नहीं है। तो जल्दी से नुस्खा अपनाइए और बहुत जल्दी राहत पा लीजिए। दर्शकों, अगर आप लोगों की कॉल कार्यक्रम में नहीं लग पाती है, आप लोग हमारे हेल्पलाइन नंबर पर 24 आवर्स कभी भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अतिया हब्स जो कि एक ब्रांडेड कंपनी है, 500 से भी ज़्यादा फ्रेंचाइजीज की देश भर में है, जिसके फाउंडर प्रमोटर रिसर्चर हैं हकीम सुलेमान खान साहब। हकीम साहब, जानना चाहूंगी ये जो अभी हमारे साथ एलिना जी जुड़ी थी, मलीना जी माफ कीजिएगा, तो इन्होंने कहा कि इनके जो हस्बैंड है वो भी इसी पेशे में है। देखिए कितना विश्वास करना मुश्किल हो जाता है जब इसी पेशे के लोग मानते नहीं हैं कि ये नुस्खा फ़ायदेमंद हो सकता है, लेकिन जब वो ट्राई करते हैं तो उनका यकीन इतना ज़्यादा बढ़ जाता है कि हम भी उसी पेशे में हैं लेकिन एक ऐसा नुस्खा हमने किसी और से जाना और इतना फ़ायदेमंद। हाँ देखिए, जब हम पेशावर डॉक्टर होते हैं जी तो हमें सीधा सीधा इलाज, आदमी हो या डॉक्टर हो या मरीज हो कि भाई दर्द है तो ये दवा लो, वो उस दवा के आगे कुछ जानते ही नहीं क्योंकि पढ़ा उन्होंने ये है जी। अब जब एक गैर डॉक्टर यानी डॉक्टर नहीं है, वो जैसे उनकी मिसेज कि भाई आप ये ले लो फायदा होगा, तो वो उनको हंसी से उड़ाते हैं कि क्या जी, मुझे डॉक्टर को नुस्खा बता दे। लेकिन देखिए ये अजीब नुस्खे जात मैं आप तक पहुंचाता हूँ और मुद्दतें हो गई आप तक ये नुस्खा पहुंचाते हुए, और
तमाम हिंदुस्तान बल्कि हिंदुस्तान से बाहर बहुत इनकी डिमांड है और ये फ़ायदा करते हैं। अगर हम असली दवाएं ख़रीद लें और इनका इस्तेमाल करें तो दुनिया में इन दवाओं का कोई जोड़ नहीं है। जो भी मैं उसके बताता हूँ बस असली मिल जाए, और डॉक्टर्स को भी यकीन आता है जब उनको वास्ता पड़ता है, और बग़ैर वास्ता पड़े तो आदमी बहुत आसानी से यकीन नहीं करता। लेकिन ये एक ऐसे नुस्खे हैं जो ज़्यादातर लोगों को फ़ायदा पहुंचा सकते हैं। बिल्कुल, तो दर्शकों देखिए नुस्खे हकीम साहब ज़रूर बताते हैं, लेकिन विश्वास वो तभी आप खुद पे कर सकते हैं, उन नुस्खों पे कर सकते हैं जब आप उन्हें आजमाते हैं। तभी तो मैं आपसे बोलती हूँ कि कहीं जाने की आपको ज़रूरत नहीं है, घर बैठे बैठे आप लोग खुद का इलाज खुद ही कर सकते हैं। वो कैसे? हमारे साथ जुड़ के इन नंबर्स पे कॉल करके जो आपके सामने लगातार हम दिखा रहे हैं। नेक्स्ट कॉलर है, बात कर लेते हैं। स्वागत है आपका। नमस्कार जी। नमस्कार सर। मैडम जी, मैंने जैतून का नमक मंगवाया था। किस चीज के लिए? मैंने जैतून का नमक मंगवाया था, मेरे को वो कब्ज रहती है, जैसे फ्रेश नहीं हो पाता मैं, ठीक है, और एलर्जी है। कैसी वाली एलर्जी है आपको, कौन सी वाली? मेरे को लाल लाल निशान हो जाते हैं, हल्की सी खारिश होती है, लाल लाल निशान हो जाते हैं। ठीक है, आपने ये शुरू कर दिया? और है मेरी प्रॉब्लम, मेरे को कमर में रीढ़ की हड्डी पे दर्द होता है 2-3 महीने से, एक उसके लिए कुछ बता दो। अच्छा, ये नमक इस्तेमाल किया, आपको फायदा मिला कुछ? हाँ जी, इससे थोड़ा फायदा हुआ है जी। ठीक जी, देखिए इससे फायदा हो जाता है, अगर ऐसा लगे कम फायदा है तो 2-4 काली मिर्च खाकर इससे ये इसका पानी पिया करें, काली मिर्च 2-4 खाकर इसका पानी पिया करें तो और ज़्यादा फ़ायदा आपको मुमकिन है। जिसको भी कमर में दर्द हो, पिंडलियों में, घुटनों में, कहीं भी दर्द हो, तो एक ऐसा नुस्खा जो ऐसे रोगियों को फ़ायदा पहुंचाता है, उसे कहते हैं गोंद स्याह, काला गोंद। हम लोग गोंद स्याह कहते हैं, इसे काला गोंद भी कह सकते हैं आसान भाषा में। असली खरीदें और आधा ग्राम सुबह नाश्ते के बाद और आधा ग्राम रात को खाने के बाद पानी या दूध से ले लिया करें। कैसा भी दर्द आपका हो, उसको फायदा होना मुमकिन है।